एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेरीज जो काफी बच्चों ने मुझसे बहुत रिसेंटली पूछा है इज दैट कि जीआरएफ और एसआरएफ में क्या फर्क है, व्हाट इज जूनियर रिसर्च फेलो एंड सीनियर रिसर्च फेलो क्या है, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा हमें, व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में आपकी यही कन्फ्यूजन को मैं फटाफट से एक मिनट में दूर करने वाली हूँ। तो बेसिकली देखिए, जीआरएफ एंड एसआरएफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस पोजिशंस इन द एकेडमिक सर्कल। देखिए, जब आपको जीआरएफ ग्रांट होती है तो यू गेट जीआरएफ फॉर 5 ईयर्स, तो आपको 5 साल के लिए जो फेलोशिप है वो ग्रांट होती है। अब होती क्या है कि जो पहले 2 साल होते हैं आपके, उस पहले 2 साल में आप जीआरएफ रहते हो, विच इज जूनियर रिसर्च फेलो, और इसमें आपकी जो स्टाइपेंड होती है करंटली विच इज गोइंग टू बी 31,000 रुपीज। अब आफ्टर 2 ईयर्स आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो, जो कि ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, देर इज नो सेपरेट एग्जामिनेशन, देर इज नो सेपरेट क्रेडेंशियल्स, देर इज नो सेपरेट रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन द 3rd ईयर यू आर गोइंग टू बिकम सीनियर रिसर्च फेलो, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है पोजिशन अकेडमिक सर्कल्स में। एंड जैसे ही आप एसआरएफ बनते हो तो आपकी जो फेलोशिप है वो 31,000 से सीधे 35,000 बढ़ जाएगी। सो देर इज एन इंक्रीज इन द स्टाइपेंड ऑफ मनी एंड आप ऑटोमेटिकली 3rd ईयर में सीनियर रिसर्च फेलो बन जाओगे। तो इसके लिए आपको कोई सेपरेट एग्जामिनेशन नहीं देना है। दिस इज जस्ट सिंपल, वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। सो आई होप ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि जीआरएफ एसआरएफ में क्या डिफरेंस है। आप ऑटोमेटिकली एसआरएफ बन जाते हैं इन योर 3rd ईयर विथ इंक्रीज इन द स्टाइपेंड मनी। थैंक यू सो मच।